हेलो क्लास टेंथ, हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे चैप्टर 11 दैट इज एल्कोहल फिनॉल्स एंड एथर। इन प्रीवियस वीडियो वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द प्रिपरेशन मेथड एंड नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल फिनॉल्स एंड एथर, एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल एंड फिनॉल्स। इन प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस अबाउट द न्यूक्लियोफिलिक एंड इलेक्ट्रोफिलिक बिहेवियर ऑफ एल्कोहल, जिसको हमने पहले डिस्कस कर लिया है कि किस तरीके से जो एल्कोहल है वो वर्सेटाइल इन नेचर होता है और वो बिहेव करता है एज अ इलेक्ट्रोफाइल और ऑल्सो अ न्यूक्लियोफाइल। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट कैरेक्टर टू टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है यहाँ पर। तो जो यहाँ पर केमिकल रिएक्शन साधन करने वाले हैं वो है ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बिहेवियर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक, मतलब जिस तरीके से वो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटेंस की तरह बिहेव कर रहा है वो वाले कैरेक्टर्स को हम आगे लेके उसमें फर्स्ट रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, जो कि है रिएक्शन विद मेटल। सो जब भी एक एल्कोहल रिएक्ट करता है मेटल से, सो ऑलवेज इट गिव्स हाइड्रोजन गैस एंड ऑल्सो हमें उसके साथ क्या मिलती है, सॉल्ट मिलता है। सो अगर हम फर्स्ट रिएक्शन को यहाँ पर लिखें, दैट इज आर ओ एच। आर ओ एच इज योर एल्कोहल। एल्कोहल को जब हम ट्रीट करवाते हैं विथ सोडियम, हम एक मेटल के साथ इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं, तो जब हम एल्कोहल को सोडियम के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो होता क्या है, जो बॉन्ड है बिटवीन द ओ एच एंड ओ एन एच, सो जो बॉन्ड है बिटवीन द ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन भी ब्रेक हो जाता है एंड इसका प्लेस आके कौन ले लेता है, एन ए आके इसका प्लेस ले लेता है। हमें क्या मिलता है, हमें एक सॉल्ट मिलता है, दैट इज आर ओ एन ए, एंड ऑल्सो वी गेट द हाइड्रोजन गैस फॉर द बैलेंसिंग द हाइड्रोजन। हम यहाँ पर टू लगाते हैं बिकॉज हाइड्रोजन एच टू, दैट्स वाई हम यहाँ पर एच टू लिख रहे हैं, क्योंकि एक हाइड्रोजन गैस इन्वॉल्व होती है एंड जब हम इसके आगे टू लगाएंगे सो फॉर बैलेंसिंग द दिस आर ओ एन ए, यानी कि सोडियम एल्कोक्साइड्स को हम बैलेंस करने के लिए वहाँ पर भी हमें टू लगाना पड़ेगा। सो जब आप यहाँ पे टू लगाओगे तो ऑफकोर्स एन ए है बिकॉज उसके आगे भी टू आ गया, सो फॉर बैलेंसिंग द रिएक्शन हम यहाँ पर भी टू लगाते हैं। सो ये फर्स्ट रिएक्शन थी जिसमें आपने देखा कि वेन हम एक एल्कोहल को ऐसे एक एल्कोहल को जब हम एक मेटल्स के साथ ट्रीट करते हैं सो हमें क्या मिलता है, हमें हाइड्रोजन गैस मिलती है और उसके साथ साथ एक सॉल्ट भी रिएक्शन में बनता है। सो यहाँ पर जो सॉल्ट बना है उस सॉल्ट का नाम है सोडियम एल्कोक्साइड। सोडियम एल्कोक्साइड और साथ में हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस। तो ये फर्स्ट केमिकल रिएक्शन थी जिसमें हमने एल्कोहल को रिएक्ट करवाया विद अ मेटल एंड वी गेट अ हाइड्रोजन गैस एंड ऑल्सो सोडियम एल्कोक्साइड, जो कि यहाँ पर है सॉल्ट। ओके, नोट दिस रिएक्शन। आफ्टर दैट एक और केमिकल रिएक्शन है जो कि आपके बुक में गिवन है, एनसीईआरटी बुक में गिवन है, इसलिए उस केमिकल रिएक्शंस को हम यहाँ पे पढ़ते हैं। होगी यही सेम चीज़ें, उसमें भी हाइड्रोजन गैस रिप्लेस होगी और साथ में हमें वहाँ पर क्या मिलेगा, एक सॉल्ट वहाँ पर फॉर्म होगा। ओके, सो नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन जिसमें है, जिसमें हमने जो ये हमारा एल्कोहल है इसे हमें ट्रीट करना है विद द एल्यूमिनियम एंड व्हेनेवर वी ट्रीट एल्कोहल, अगर आप इस एल्कोहल को ध्यान से देखेंगे सो दिस कार्बन एंड इस कार्बन से यहाँ पर एक एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, दैट इज सी एस थ्री एल्काइल ग्रुप, दैट इज सी एस थ्री एल्काइल ग्रुप, और ये भी क्या एक एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। सो जब भी एक कार्बन से तीन एल्काइल ग्रुप लगे हुए होते हैं तो उसे हम टर्ट नाम देते हैं, टर्शरी वर्ड्स का यूज वहाँ पर करते हैं। सो ये जो है वर्ड, इसका जो नाम है टर्ट बिकॉज ऑफ एक कार्बन से थ्री सी एस थ्री ग्रुप वहाँ पर अटैच है, इसलिए हमने इसका नाम दिया हुआ है टर्ट। आप टर्शरी भी लिख सकते हैं, बट टर्ट वर्ड यूज किया जाता है फॉर द टर्शरी एंड ऑल्सो ब्यूटाइल बिकॉज कॉमन नेमिंग हम ही कर रहे हैं और फोर कार्बन यहाँ पर है तो दैट्स बाय ब्यूटल और ओएच ग्रुप है इसलिए हम यहाँ पर सिंपल इसका नाम लिखते हैं एल्कोहल। सो इसका जो नाम है वो है टर्ट ब्यूटाइल एल्कोहल और इसकी हम रिएक्शन करवाते हैं विद एल्यूमिनियम। सो एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है वो प्लस थ्री होती है, दैट मीन्स एक मॉलिक्यूल है एल्यूमिनियम का वो इस ऐसे तीन मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच हो सकता है। सो इस रिएक्शन में होगा क्या, मैं इस ओ एच तो को थोड़ा दूर लिख दे रही हूँ बिकॉज हमें ये बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक करना है। तो जब हम इस बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक करते हैं, व्हेन वी ब्रेक दिस बॉन्ड, सो ये जो इतना बड़ा सा आपको ये केमिकल दिखाई दे रहा है ये जाके रिएक्ट करेगा विद द वन मोल ऑफ
एल्यूमिनियम, और हमें मिलेगा CH3 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 NO। जैसे कि मैंने अभी आपको बोला कि एक एल्यूमिनियम ऐसे तीन मॉलिक्यूल के साथ जाके अटैच हो सकता है, इसलिए हमें यहाँ पर ब्रैकेट के बाद 3 लिखना पड़ेगा एंड ऑल्सो हमने लिखा हुआ एल्यूमिनियम, राइट। सो जैसे कि आपने देखा कि जो हमारा टर्ट ब्यूटाइल एल्कोहल है, हमने इसको ट्रीट करवाया एल्यूमिनियम के साथ। सो जब हम इसे एल्यूमिनियम के साथ ट्रीट करवाते हैं, बिकॉज एल्यूमिनियम हैव थ्री वैलेंसी होने की वजह से वो ऐसे थ्री कंपाउंड्स के साथ अटैच हो जाता है और उनका लास्ट में ये रिएक्शन मिलेगी। एंड ऑल्सो अभी मैंने आपको पहले बताया था कि इस रिएक्शन में हमें हाइड्रोजन गैस भी मिलती है। सो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस भी हमें यहाँ पर मिलेगी, बट ये जो अभी रिएक्शन लिखी है वो बैलेंस नहीं है। फॉर बैलेंसिंग दैट रिएक्शन, अगर हम इसके आगे यहाँ पर 2 लगा दें, इस रिएक्शन के आगे हम यहाँ पर 2 लगा देते हैं, तो ये जो मॉलिक्यूल्स है वो हो जाएंगे 6। एंड हमने यहाँ पर इस रिएक्शन में आगे लगे, दैट मीन्स ये 2 Al के लिए भी है, तो हम यहाँ पर भी 2 लगा देते हैं। एंड अब अगर आप देखें तो ये H है वो 6 है, एंड फॉर बैलेंसिंग द हाइड्रोजन वी विल पुट हियर 3। तो इस तरीके से ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस हो जाती है। सो फर्स्ट आपने देखा कि जब हम एक मेटल को ट्रीट करवाते हैं विथ एल्कोहल, सो होता क्या है, सो वेन एवर वी ट्रीट अ एल्कोहल विथ मेटल वी ऑलवेज गेट अ हाइड्रोजन गैस एंड ऑल्सो उनके साथ हमें एक सॉल्ट वहाँ पर देखने को मिलता है। अभी हमने जो दो रिएक्शन करवाई वो दो रिएक्शन थी एल्कोहल्स के साथ। अगर हम फिनॉल्स की रिएक्शन करवाते हैं मेटल्स के साथ तो हमें क्या मिलता है, लेट्स सी। सो ये फिनॉल है और फिनॉल की हम रिएक्शन करवा रहे हैं विथ मेटल। जब हम फिनॉल की रिएक्शन करवाते हैं मेटल के साथ तो सेम प्रोसेस होगी जो प्रीवियस रिएक्शन में हुई थी अल्कोहल के साथ, जिनमें हमें सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मिलता है। सो यहाँ पर भी वही होगा बेटा, जो ये फिनॉल्स हैं इनके हम रिएक्शन करवा रहे हैं मेटल के साथ, जो कि हमने सोडियम लिखा हुआ है। सो हमें यहाँ पर एक सॉल्ट मिलेगा, ओके, दैट इज सोडियम फिनोक्साइड, एंड ऑल्सो इसके साथ हमें क्या मिलती है, हाइड्रोजन गैस यहाँ से देखने को मिलती है। रिएक्शन बैलेंस नहीं है, अगेन आप चाहो तो रिएक्शन बैलेंस कर सकते हैं, आपको 2 लगाना होगा, वो आपके ऊपर है, आप रिएक्शन बैलेंस कर लीजिएगा। बट इन दिस होता क्या है कि जो फिनॉल्स हैं वो मेटल के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस निकालते हैं, एंड ऑल्सो हमें एक सॉल्ट मिलता है जिसका नाम है सोडियम फिनोक्साइड्स। फिनोक्साइड्स किस लिए बेहतर, बिकॉज ये फिनॉल रिंग है, ठीक है। सो सोडियम फॉर द सोडियम, एंड ये जब भी एक बेंजीन रिंग में OH ग्रुप अटैच होता है तो उसे फिनॉक्साइड्स फिनॉल बोलते हैं, एंड जब H वहाँ से रिप्लेस हो गया देन वो रिंग जो बनती है उन्हें फिनॉक्साइड्स बोलते हैं। तो साइड दैट्स व्हाई यहाँ पे इसका नाम क्या है, सोडियम फिनॉक्साइड। सो ये जो 3 रिएक्शन अभी तक आपने देखी जिसमें ये बताया गया था कि एल्कोहल और फिनॉल्स को जब हम मेटल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमें हाइड्रोजन गैस मिलती है एंड ऑल्सो वी गेट द सॉल्ट, ओके। सो आपने पहले इन प्रीवियस क्लासेस आप पढ़ चुके हैं कि वेन एवर वी ट्रीट अ एसिड विथ बेस, जब भी हम एक एसिड की रिएक्शन बेस के साथ करवाते हैं सो ऑलवेज हमें एक सॉल्ट मिलता है और वाटर उसके साथ रिलीज होता है, वाटर भी उसके साथ रिएक्शन में बनता है। सो हमने ये चेक करने के लिए कि क्या जो हमारे एसिड एंड फिनॉल है ये एक एसिड है, मतलब अगर आपसे ये पूछा जाए कि बिकॉज इन दिस रिएक्शन जिस तरीके से हाइड्रोजन गैस रिवॉल्व हो रही है एंड ऑल्सो सॉल्ट बन रहे हैं, दैट मीन्स जो फिनॉल एंड एल्कोहल्स हैं दे हैव सम एसिडिक कैरेक्टर। सो इस रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए कि वो एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं, हम फिनॉल्स या फिर एल्कोहल की रिएक्शन करवाएंगे विथ बेस एंड देन देखते हैं कि उसके साथ क्या बनता है। सो हमने जैसे अभी हमने बोल डिस्कस किया था कि हम एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करेंगे, सो यहाँ पर जो एल्कोहल लिया हुआ है ये वर्क करेगा एज अ एसिड, एंड NaOH यानी कि बेस के साथ इसकी हम रिएक्शन करवा रहे हैं, और हमें पता है कि व्हेनेवर वी ट्रीट अ एसिड विद बेस सो ऑलवेज वी गेट द सॉल्ट एंड H2O। तो होना क्या चाहिए इस रिएक्शन में, जो इस रिएक्शन से ये H है, ये H यहाँ से भी जाता है, ठीक है, फ्रॉम हेयर H हमें मिलेगा और फ्रॉम हेयर OH हमें यहाँ से मिलता है, एंड H एंड OH आपस में ज्वाइन होकर क्या बनाते हैं, H2O। सो एक H2O का मॉलिक्यूल यहाँ से रिवॉल्व होगा, एंड ऑल्सो इसके साथ हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलेगी, इसके साथ एक सॉल्ट जो कि है सोडियम फिनॉक्साइड। इसके पहले वाले रिएक्शन में भी ये सॉल्ट यहाँ पे बना था, तो सोडियम फिनॉक्साइड एंड वाटर हमें इस रिएक्शन में मिलती है। सो बाय दिस रिएक्शन ये प्रूफ होता है कि जो एसिड है, जो एल्कोहल एंड फिनॉल्स हैं दे आर एसिडिक इन नेचर, बिकॉज जब भी हम उनकी रिएक्शन बेस के साथ करवाते हैं सो ऑलवेज दे गेट
वाटर, वी गेट वाटर एंड ऑल्सो द अ सॉल्ट. अब अगर हम इस रिएक्शन को एल्कोहल के साथ कर रहे हैं, यानी आर ओ एच, वेट, सो आर ओ एच के साथ जब हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे विथ एन ए ओ एच, यानी कि यहाँ पर हम एल्कोहल की रिएक्शन करवा रहे हैं विथ बेस के साथ, तो होगा क्या, वही सेम चीज़ें होने वाली हैं यहाँ पर से भी एच, क्योंकि हम ये जो रिएक्शन सारी पढ़ रहे हैं इसमें बॉन्ड ब्रेक हो रहा है बिटवीन द ओ एंड एच, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा एंड ये हाइड्रोजन एस ओ एच के साथ ज्वाइंट होकर वाटर का मॉलिक्यूल बनाएगा एंड हमें अदर जो साथ में हमें मिलेगा वो होगा हमारा आर ओ एन ए. अगर आपको पहली फर्स्ट रिएक्शन याद होगी जिसमें हमने क्या किया था, एल्कोहल को बेस के साथ, सॉरी एल्कोहल को मेटल के साथ जब रिएक्शन करवाया था तो वहाँ पर ये सॉल्ट बना था, दैट इज सोडियम एल्कोऑक्साइड. सो बाय दिस रिएक्शन ये प्रूव होता है कि जो एल्कोहल्स होते हैं या फिनॉल्स होते हैं दे आर एसिडिक इन नेचर. वन मोर थिंग, जो एसिडिक नेचर तो है इन्हें हम ब्रॉन्स्टेड एसिड्स कहते हैं. ब्रॉन्स्टेड एसिड क्यों, दीज आर द एल्कोहल एंड फिनॉल आर द ब्रॉन्स्टेड एसिड. ब्रॉन्स्टेड एसिड जब भी ये रिएक्शन करते हैं सो ऑलवेज एक फोटोन एक प्रोटॉन रिलीज होता है, यानी कि एक H प्लस रिलीज होता है. सो वो सारे एसिड्स या वो सारे कंपाउंड जो आफ्टर दिस रिएक्शन एल्कोहल एंड बेस से रिएक्शन करने के बाद वो H प्लस रिलीज करें तो उन्हें हम ब्रॉन्स्टेड एसिड कहते हैं. सो एल्कोहल एंड फिनॉल्स आर ऑल्सो द ब्रॉन्स्टेड एसिड. तो अभी हमने ये बात डिस्कस की यहाँ पे कि जो हमारे एसिड अल्कोहल होते हैं एंड फिनॉल होते हैं दे आर द ब्रॉन्स्टेड एसिड, दे कैन डोनेट द फोटोन एंड वन मोर थिंग दे कैन डोनेट अ फोटोन टू द स्ट्रॉन्गर बेस. ऑलवेज जो एक स्ट्रॉन्गर बेस होता है उसके साथ जब हम एल्कोहल्स की रिएक्शन करवाते हैं सो ऑलवेज क्या होता है वो H प्लस के अंदर से रिलीज करता है, एक H प्लस वहाँ से रिलीज हो जाता है. जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज अ बेस एंड स्ट्रॉन्ग बेस है यहाँ पर, इसलिए हम एल्कोहल करवा रहे हैं, इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं विद एसिड जो कि एल्कोहल. और होगा क्या बेटा, जब ये आता है तो ये अटैक करेगा विद दिस एच एंड जो बॉन्ड है बिटवीन द ओ एंड एच ये ब्रेक हो जाता है एंड आफ्टर दिस वी विल गेट बी एच एंड ऑल्सो वी विल गेट ओ, बिकॉज आपका जो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो गया देन हमारे पास सिर्फ ओ एंड आर बचा होगा. सो दिस ओ आर एंड जो इलेक्ट्रॉन्स जो लोन पेयर शेयर किए हुए थे ऑक्सीजन ने विद द H वो भी वापस आ जाएंगे, सो दे आर ऑल्सो लोन पेयर एंड विद नेगेटिव चार्ज. सो यहाँ पर क्या होता है बेटा, बिकॉज एक आफ्टर दिस रिएक्शन एक जो बेस है उस पर एक कॉन्जुगेटेड एसिड बन जाएगा, कॉन्जुगेट एसिड एंड सेकेंड हमें दूसरी तरफ क्या मिलेगा, कॉन्जुगेटेड बेस. सो बाय दिस रिएक्शन आपको समझ में आ सकता है कि जो एल्कोहल्स हैं वो ऑल्सो अपने अंदर से H प्लस रिलीज कर सकते हैं एंड H प्लस किसी भी बेस पर अटैक करते हैं तो हमें एक कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस मिलता है. सो बाय दिस रिएक्शन हमारा जो रिएक्शन ऑफ मेटल्स टॉपिक है वो यहाँ से कम्प्लीट हो जाता है, जिसमें हमने देखी रिएक्ट मेटल्स एल्कोहल और फिनॉल की विद द सोडियम एंड ऑल्सो हमने ये भी चेक किया कि जो हमारे एल्कोहल एंड फिनॉल्स हैं वो एसिड नेचर के हैं या नहीं है. सो दे आर द एसिड इन नेचर एंड दे कैन डोनेट फोटॉन दैट इज H+ एंड दे ऑल्सो कॉल्ड एज ब्रॉन्स्टेड एसिड.